नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत का जारी हुआ नया नक्शा, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जारी हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन भी हम MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और ये क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं सामने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो पार्टों में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद नया मैप जारी किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से ये जारी हुआ। दोस्तों, ये कि 5 अगस्त 2019 को एक प्रेसिडेंशियल प्रस्ताव लाया गया दोस्तों, जिसमें दो पॉइंट थे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाले 370 आर्टिकल को समाप्त कर दिया जाए, और जम्मू कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया जाए, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। और इसको ऑफिशियल डेट अनाउंस की गई दोस्तों इसके लिए, जो थी 31 अक्टूबर 2019 की, जो इस दिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती थी। और उसी दिन दोस्तों उनके नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को दो यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट दिया गया और आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई। और उसके बाद दोस्तों 2 नवंबर 2019 को हमारे भारत का ये नया मैप सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, जिसको आप देख रहे हैं। और इसमें दोस्तों POK के क्षेत्र को भी भारत में ही दिखाया गया, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उसके बाद दोस्तों अब 22 जिले हो गए हैं ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, जिसमें POK का जो ये वाला हिस्सा था दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं इस हिस्से को, जो ये हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये दोस्तों ये POK का ये वाला हिस्सा जो दोस्तों, इसमें दो नए जिलों को जम्मू कश्मीर में मिलाया गया, जिसमें मुजफ्फराबाद और दूसरा है मीरपुर, ये दोनों को जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही लद्दाख क्षेत्र जो ये वाला था दोस्तों, इसमें ये POK का ये वाला हिस्सा, इसको भी इसमें दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं गिलगित, गिलगित बाजारा, चिल्हास, ट्राइबल टेस्टरी और लेह लद्दाख। इस तरह से दोस्तों POK के क्षेत्र को भी भारत का ही हिस्सा इसमें दर्शाया गया है। और अब डिस्ट्रिक्टों की संख्या आप याद कर लें, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में आप कुल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 22 दोस्तों, और लेह में दो डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल और दूसरा है लद्दाख, जो कि आप ये देख पा रहे हैं ये कारगिल और ये लद्दाख। और उसके साथ ही लद्दाख अब भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी घोषित हो गया, और उसी के साथ दोस्तों लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी भी हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों अब 22 में दो नए जो हैं वो भी याद रखें, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। और इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ये भी देख लें आपकी जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अब क्या चेंजेस आए इसमें, कौन सी कंट्री से टच हो रही हैं इनकी सीमाएं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की, इस टाइप के क्वेश्चन भी अब देख आ सकते हैं एग्जाम में, तो हम उनको भी देखेंगे। तो आइए मैं और भी मैप से आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों सेकंड मैप, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्लियरली, इसमें आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये मुजफ्फराबाद और ये मीरपुर, ये दो POK से शामिल किए गए जम्मू कश्मीर में। और ये आपको लेह इतना बड़ा काफी बड़ा एरिया दिख रहा है, ये एक डिस्ट्रिक्ट और ये कारगिल, ये दो डिस्ट्रिक्ट मिलकर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। तो आप इसमें भी देख पा रहे हैं दोस्तों क्लियर। और इसके बाद ये किन देशों से टच होते हैं ये सब भी। और दोस्तों हम बात करते हैं जो एक्चुअल मैप, जो अभी भारत का आधिकारिक रूप में हिस्सा है, उस मैप को भी हम देख लेते हैं। ये दोस्तों देख पा रहे हैं आप आधिकारिक मैप, जो ये व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है दोस्तों आपको, ये जितना जो मैं दिखा रहा हूँ डार्क के, ये भारत के पास है। ये जो ग्रीन कलर में है दोस्तों, ये पाकिस्तान के पास है, और ये जो मरून टाइप में है दोस्तों, ये है चाइना के पास। तो ये कंडीशन है दोस्तों जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर तीन देशों का अपना अपना हिस्सा इस तरफ से दिख रहा है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के पास जो दोस्तों, ये POK कहलाता है, और ये आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान चलाता है यहाँ पे, ये इसको उन लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। और यहाँ के ही दो डिस्ट्रिक्टों को जो कश्मीर में शामिल किया गया, जो अभी अपन ने लास्ट मैप में देखा। और ये दोस्तों लद्दाख का क्षेत्र है जो हमारे पास है, जबकि हमारे आधिकारिक मैप में ये पूरा ऐसा दिखाया गया आपको, तो उसमें ये अक्साई चीन भी लद्दाख का ही हिस्सा है, और POK के डिस्ट्रिक्ट भी लद्दाख के। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोस्तों ये कारगिल के पास, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, और दोस्तों ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना और पाकिस्तान के बीच है, जो अक्साई चीन और लद्दाख क्षेत्र के बीच है। और इस तरह से दोस्तों कंडीशन है जो जम्मू कश्मीर की, जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप
जो ये हिस्सा है इसको पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में गिफ्ट कर दिया था दोस्तों। तो ये चाइना के पास है अभी। और यहाँ पर है दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर, आपने जो सुना होगा दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों जो भारत के पास है। यहाँ पे हमारे सैनिक 24 घंटे जवान यहाँ पर डटे रहते हैं दोस्तों, 12 24 आवर। और ये अगर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, अगर ये पाकिस्तान या चाइना के पास चले जाता है तो दोस्तों ये इन लोग का ये पूरा एक मिक्स हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर 24 आवर 12 महीने हमारे सैनिक वहां पर डटे रहते हैं दोस्तों ठंड में, और अक्साई चीन और पाकिस्तान इससे में मिल जाएंगे। इसी कारण ये पार्ट की सुरक्षा में भारत के जवान लगे रहते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से जो एक्चुअल कंडीशन है जमीनी, जो मैंने आपको इस मैप के माध्यम से भी दिखा दिया, जो आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि पीओके और जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सारी बातें मैं बता दिया दोस्तों। और आपको एक मैप के माध्यम से थोड़ा और दिखा देता हूँ क्लियर क्या है। ये मैप आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस मैप में भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो लद्दाख क्षेत्र एक्चुअल में जो हमारे पास है, और ये जम्मू कश्मीर है दोस्तों, और यहाँ से ये मुजफ्फराबाद और ये मीरपुर का डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में शामिल किया गया, और ये बलूचिस्तान गिलगित बलूचिस्तान ये हिस्से को पूरा आधिकारिक रूप में भारत ने अपने मैप में दिखाया है जो कि चाइना के पास है दोस्तों। ये अक्साई चीन और ये पाकिस्तान के पास, थोड़ा आपको और क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर जो कि हमारा भाग है, और ये है शागयाम वैली जिसको 63 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा क्लियर आपको और हुआ होगा दोस्तों इस मैप के माध्यम से। तो इसी तरह दोस्तों जो भारत का नया मैप हुआ, वो नया मैप जारी हुआ, उसको मैंने आपको समझाया। और अब हम आइए देखते हैं एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, और जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, देश का आधिकारिक मानचित्र कौन जारी करता है? और इसका राइट आंसर मैं दोस्तों आपको बता दूं, बट इसके पहले आप भी मेरे से पहले राइट आंसर कर सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पॉज करके कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं तो। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, जो कि देश का आधिकारिक मानचित्र जो अभी हाल ही में जारी किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद गिलगित गिलगित बाजारत चेल्हास जिलों को किस जिले में शामिल किया गया? और इसके ऑप्शन है दोस्तों इस प्रकार से, कारगिल, जम्मू, लेह और श्रीनगर, जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों लेह। तो लेह में शामिल किया गया दोस्तों, जैसा कि आप देख पाए बताया मैंने आपको अभी अभी मैप के माध्यम से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद और मीरपुर को किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में रखा गया है, जो कि मैंने अभी आपको मैप के द्वारा बताया है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, जो कि अभी आपने हाल ही में देखा भी है लास्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, देश के सबसे बड़े जिले का नाम बताइए, जो कि मैंने अभी आपको सारी चीजें मैप के माध्यम से समझाई, तो इसका आंसर भी आपको बनना चाहिए दोस्तों। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ले, जो कि ये है। और इसी टाइप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही होगा ऑफिशियली। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर दोस्तों होगा लद्दाख, और ये साथ ही सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी होगा और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी होगा भारत का, ये दोनों चीजें, तो आप दोनों पॉइंट याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, और मैं इसको आपको राइट आंसर बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में 3 यूनियन टेरिटरी में हमारे यहाँ विधानसभा है, जो कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, और टोटल यूनियन टेरिटरी है दोस्तों 9, उनमें से 3 में विधानसभा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया ये तीनों से ही अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऑप्शन
इस प्रकार से है दोस्तों, पंजाब हरियाणा हिमाचल, और या तो ए व सी मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों, और वही इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, जिससे पंजाब और हरियाणा दोनों से जम्मू कश्मीर जो न्यू यूनियन टेरिटरी बना है वो अपनी सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें क्योंकि ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो इसके ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से, जो कि मैं राइट आंसर आपको बताया, 31 अक्टूबर 2019 से दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके भी कहते हैं, पीओके को किसके साथ शामिल किया गया? तो दोस्तों काफी ज्यादा हिस्सा लद्दाख में भी शामिल किया गया और दो डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में भी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि दोनों में शामिल किया गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संघ शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? जो कि आपको सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, जो कि है राधाकृष्ण माथुर, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं, जो कि है 12वां क्वेश्चन आज का हमारा। संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? ये भी काफी चर्चा में रहा, इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा, जो कि है गिरीश चंद मुर्मू। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट है, तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं एक प्रकार से, तो ये आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब न्यू मैप आने के बाद अब भारत में बचे हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये पिछला प्रश्न जो मैंने आपके लिए लाया था और इसका राइट आंसर आपको बताना था, जो कि लाइट किंग के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। और जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपके लिए लाया हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, कि किस महापुरुष की जयंती पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक स्वीकृति दी गई? और इसके ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक से अपडेट रहने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करिए, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चल सके इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपडेट। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं आपको इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। तो जय हिंद, जय भारत।